नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ से, जहां प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा नेकियों के क्रम में इजाफा करते हुए रविवार को देवारा स्थित क्षेत्र के कुहड़ी ढाला पर प्रयास मेडिसिन बैंक की स्थापना की गई। संगठन के जिला उपाध्यक्ष तथा मेडिसिन बैंक प्रभारी डॉक्टर बिजराज प्रजापति ने बताया कि इस मेडिसिन बैंक के माध्यम से हम उन तमाम जरूरतमंदों को न्यूनतम रेट पर दवा देने का प्रयास करेंगे, जिनकी गाड़ी कमाई का अधिकांश हिस्सा दवा में चला जाता है। जो बेहद असहाय और कमजोर हैं, दवा खरीदने की स्थिति में नहीं है, उनको हम एक मेडिसिन बैंक के माध्यम से निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। वहीं संगठन अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि जिले के देवारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। प्रति वर्ष बाढ़ की चपेट में आने से लोगों का जनजीवन तबाह हो जाता है। बरसात के यहाँ लोग तमाम रोगों से शिकार हो जाते हैं। और कुछ क्या कहा रणजीत सिंह संगठन अध्यक्ष ने, सुनिए। रणजीत सिंह अध्यक्ष प्रयास सामाजिक संगठन। आज प्रयास सामाजिक संगठन द्वारा जो संगठन द्वारा नेकियां की जा रही, उसमें एक कदम और जोड़ते हुए प्रयास ने मेडिसिन बैंक का उद्घाटन शुभारंभ आज देवारा, जो सबसे पिछड़ा इलाका जिले का है, आजमगढ़ जिले का कुड़ही ढाला पर, यहां पर मेडिसिन बैंक की शुभारंभ किया गया है। और संगठन ने देखा कि दवाइयों के माध्यम से काफ़ी लोगों का शोषण हो रहा है, तो संगठन ने एक छोटा सा उसमें प्रयास करते हुए ये मेडिसिन बैंक का शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से हम तमाम जरूरतमंदों को एक न्यूनतम मूल्य पर दवाएं देंगे। और समाज के जो बेहद असहाय हैं, कमजोर हैं, जो दवा खरीदने में असमर्थ हैं, उनको हम निःशुल्क इस मेडिसिन बैंक के माध्यम से दवा मुहैया कराएंगे। आज इसी उद्देश्य से, इसी पर्पज से यहाँ मेडिसिन बैंक का शुभारंभ, पहला मेडिसिन बैंक खोला गया। आगे हम इसकी शाखाएं और भी जगह जगह स्थापित करेंगे।